हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एटूटैक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी SSC जल्द हो जाती है इसकी तैयारी पे ध्यान दे रहे होंगे। उस सिलसिले में आज हम लेके आए हैं एक और वीडियो जो कि हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की होगी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा प्रेपोजिशन। ठीक, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और उससे पहले एडवर्ब के बारे में। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच की हमारी 6 नंबर की वीडियो है प्रेपोजिशन के बारे में। आज हम जानेंगे प्रेपोजिशन होते क्या हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन होती क्या है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद नाउन अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन अ प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स इन द सेंटेंस। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो क्या है प्रोनाउंसिएशन, क्या है एक वर्ड है, ठीक है, जो क्या है नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, आपका नाउन और प्रोनाउन के साथ सेंटेंस पे जो अगली चीज है उनका रिलेशन डिनोट करता है। ठीक है, डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन द्वारा जो क्या डिनोट किया जाता है रिलेशन एक ही सेंटेंस पे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर, जो किसी नाउन या प्रोनाउन क्या करता है रिलेशन बताता है किसी और चीज के साथ। ठीक, एग्जांपल क्या है, इन, एट, ऑन, बाय, विच, विद, इन, फ्रंट ऑफ, फ्रॉम, फॉर, आफ्टर, एटसेट्रा, ऐसे कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, ही वॉज इन द गार्डन, तो ही क्या है हमारा प्रोनाउन और गार्डन क्या है हमारा नाउन। तो यहाँ पे क्या है रिलेशन बता रहा है ना, डिनोट कर रहा है किससे, ई से, ही वॉज इन द गार्डन, वो गार्डन में था। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल, शी केम बाय बस, शी केम बाय बस, वह कैसे आई, बस से आई, ठीक है, बस से, बाय बस। अवर ब्रदर कैन नॉट जंप इन टू द वेल, हमारा भाई क्या नहीं कर सकता कुएं में नहीं कूद सकता। ही इज फ्रॉम जापान, वो कहाँ से है, जापान से। द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द रोड, बॉयज आर प्लेइंग ऑन द रोड, बॉयज क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं कहाँ, रोड पर, ऑन द रोड। ठीक है, अब देखते हैं काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज और पार्टिसिपल। तो सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन, सॉरी, ठीक, क्या है, वन वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। तो वन वर्ड के जो भी आपके प्रीपोजिशन होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिंपल प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल, इन, ऑफ, एट, ऑफ, आउट, टू, फॉर, विद, डाउन, टिल, एटसेट्रा, ये सब क्या है सिंगल वर्ड में, यानी एक ही शब्द के जो भी प्रीपोजिशन होंगे वो क्या होंगे, सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल, आई विल सेंड यू मनी इन दिस एनवेलप, मैं तुम्हें क्या करूंगा इस एनवेलप में पैसे भेज दूंगा। ठीक है, तो क्या है ये, इन, सिंगल, एक ही वर्ड है ना इन, तो सिंपल प्रीपोजिशन। डू यू लिव एट फ्रेंड्स कॉलोनी, तुम फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हो, एट, सिंगल, ठीक है, द फ्रूट फेल ऑफ द ट्री, पेड़ से क्या फल गिर गया, ठीक है, फल क्या है पेड़ से गिरा, ऑफ, ठीक है, सिंगल वर्ड, अ सिंगल वर्ड है तो सिंपल प्रपोजिशन। नेक्स्ट, कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, जैसे सिंगल था वो क्या था एक वर्ड, तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड में जब हम क्या करते हैं प्रीफिक्स जोड़ देते हैं किसी भी किसमें, नाउन या प्रोनाउन में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कंपाउंड प्रपोजिशन। एग्जाम्पल, बिफोर, अराउंड, क्रॉस, अक्रॉस, बिसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, अलोंग, अबव, विद इन, एटसेट्रा, कैसे, देखो राउंड मतलब गोल, ए लगा दिया तो हमारा प्रीफिक्स क्या होता है, कोई हमारा वर्ड है, ठीक है, अगर उस वर्ड से पहले हम कुछ ऐड कर देते तो प्रीफिक्स, ठीक, और अगर वर्ड के बाद ऐड कर दे तो सफिक्स। ठीक है, क्या होगा अगर किसी शब्द के पहले हमने जोड़ दिया तो प्रीफिक्स और शब्द के बाद जोड़ दिया तो क्या होगा, ये होगा हमारा सफिक्स। क्लियर, तो वैसे ही क्या, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के, नाउन या एडवर्ब, ठीक है, नाउन या एडवर्ब से पहले हम कोई प्रीफिक्स जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाएगा। जैसे क्रॉस, उसके के अक्रॉस, साइड, बी लगा दिया बिसाइड, साइड, आउट लगा दिया आउटसाइड, इन लगा दिया इनसाइड। क्लियर, तो क्या बन जाएंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन सैट बिफोर अस, चिल्ड्रन क्या हमारे आगे बैठते थे, बिफोर अस, ठीक है, आई मे कॉल यू अराउंड 3 o'clock, अराउंड मैं क्या, आई मे कॉल यू अराउंड 3 o'clock, मैं 3 बजे के आसपास कॉल करूंगा। माई नेबर टुक मी अक्रॉस द स्ट्रीट, माई नेबर टुक मी अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है, अक्रॉस, ठीक है, क्रॉस, उसके आगे ए लगा देता हूँ, अक्रॉस, ठीक है, पूरा वर्ड चेंज हो गया है। वैसे ही आता है फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज प्रपोजिशन क्या है, देखो, अ प्रपोजिशनल फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रीपोजिशन, अ मॉडिफायर एंड इट्स
ऑब्जेक्ट, ठीक, क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन, और क्या है मॉडिफायर इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है देखो फ्रेज में क्या है, जब कोई फ्रेज होता है दो या तीन वर्ड होते हैं उस फ्रेज में, ठीक है किसी भी जो फ्रेज होता है दो या तीन वर्ड होते हैं, तो क्या है इसमें देखो अलोंग, अलोंग क्या हमारा प्रीपोजिशन थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने, कौन सा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, उसके साथ विद, ठीक है तो ये क्या है हमारा फ्रेजल, अवे फ्रॉम, अवे क्या है कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रॉम क्या हो गया हमारा, ठीक है मॉडिफाइड कर रहा है या उसका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है फ्रेजल इनफॉर्म फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है बिकॉज ऑफ, बिकॉज क्या है हमारा प्रेपोजिशन, ऑफ ऑफ ही प्रेपोजिशन है लेकिन इसमें क्या कर रहा है इसको ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है होता है ना किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑफ क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट का काम, तो ये हमारा क्या है फ्रेज प्रेपोजिशन, ठीक है वैसे बाय मीन ऑफ इन एडिशन टू ये सब क्या है फ्रेज प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द स्टेशन मास्टर, ठीक है अकॉर्डिंग टू द स्टेशन मास्टर द ट्रेन कम एट 2 PM, ठीक है स्टेशन मास्टर के हिसाब से ट्रेन कब आएगी 2 बजे अकॉर्डिंग टू, ठीक है हिसाब से, ठीक है अकॉर्डिंग टू, ठीक है व्हाई इज योर गन अवे फ्रॉम यू, तुम्हारी गन तुमसे दूर क्यों है अवे फ्रॉम, ठीक यू मस्ट नॉट गो अब्रॉड बाय मीन्स ऑफ हिज हेल्प, ठीक है बाय मीन्स ऑफ तुम्हें उसकी सहायता से क्या विदेश नहीं जाना चाहिए, ठीक है यू मस्ट नॉट गो अब्रॉड बाय मीन्स ऑफ हिज हेल्प, क्लियर। तो क्या जो भी फ्रेजल में होंगे हमारे प्रीपोजिशन वो क्या होंगे फ्रेजल प्रीपोजिशन, क्लियर इसका हम आगे और ढंग से समझेंगे अभी। फिर क्या है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ये क्या है दोस प्रेजेंट पार्टिसिपल विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक है प्रीपोजिशन है ये, ठीक है प्रीपोजिशन होगा प्रीपोजिशन, ठीक जैसे रिस्पेक्टिंग कंसर्निंग कंसिडरिंग ड्यूरिंग रिगार्डिंग पेंडिंग एटसेट्रा, क्या कहा है द प्रेजेंट पार्टिसिपल विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ठीक है पार्टिसिपल होते क्या है ठीक रूट वर्ब, ठीक है पास्ट पार्टिसिपल और एक क्या होता है ठीक है रूट पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, तो ये क्या है देखो रिस्पेक्ट कंसर्न और क्या है कंसिडर ड्यूरिंग रिगार्डिंग पेंडिंग सब क्या है हमारे पार्टिसिपल्स हैं, इनके साथ ing जुड़ा हुआ है सबके साथ सारे वर्ड जितने भी हैं ing, ठीक है ing के साथ प्रेजेंट के साथ, तो क्या है जो भी चीज प्रेजेंट में हो रही है उसके लिए है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है क्या है मैनी सोल्जर्स वर किल्ड ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है मैनी सोल्जर्स क्या क्या हो गए ठीक है किल्ड ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ठीक है देखो ड्यूरिंग द वॉर वर किल्ड का मतलब पास्ट की बात हो रही है, अगर सोल्जर पास्ट में शहीद हो चुके हैं मारे गए हैं तो क्या है ड्यूरिंग फिर भी आ रहा है ना इसमें ड्यूरिंग क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है क्या है प्रीपोजिशन, तो क्या है इसके आई का यूज किया जा रहा है, ठीक है दौरान, ठीक इसका कोई वो नहीं है पास्ट नहीं है कुछ नहीं है, ठीक है ड्यूरिंग दौरान। डू यू वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग दिस मैटर, क्या तुम इस मैटर के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना चाहोगे, ठीक है रिगार्डिंग मतलब ठीक रिस्पेक्टिंग माई चॉइस आई विल टेल यू ऑन मंडे रिस्पेक्टिंग, ठीक है ये सब क्या है प्रीपोजिशन, इनका प्रेजेंट में यूज किया जाता है आई एन जी के साथ प्रेजेंट प्लस आई एन जी, तो ये क्या होते हैं ये हमारे होते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है वैसे इनका यूज बहुत कम होता है लेकिन जो भी है बताना हमारा काम था, ठीक नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है ये सबसे मेन है अभी तक जो भी पढ़ा है काइंड हमने जितने चार टाइप के थे वो कुछ नहीं थे, चार काइंड के ही होते हैं प्रीपोजिशन, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है ठीक है एक्स्ट्रा डिटेल जो कि जरूरी है और आपको समझने में आसानी होगी इससे, ठीक कोई भी आपसे काइंड नहीं पूछेगा प्रीपोजिशन काइंड बताओ वो कोई नहीं पूछेगा, अब जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो इन चीजों से आएंगे, ठीक है क्या है प्रीपोजिशन सो रिलेशन टू अ नाउन एंड प्रोनाउन एंड दिस रिलेशन इज विजिबल इन टर्म ऑफ टाइम मैनर कॉज रिजल्ट पर्पस वैल्यू डायरेक्शन पोजीशन, तो प्रीपोजिशन क्या करते हैं नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताते हैं, ठीक है और रिलेशन किस टर्म में बताते हैं, क्या रिलेशन टाइम के साथ है मैनर के साथ है कॉज रिजल्ट पर्पस वैल्यू डायरेक्शन या पोजीशन के साथ है, ये सब बताएंगे ठीक है, और ये कैसे पता लगाएंगे अभी हम वो देखेंगे।
पहला क्या है? पहला है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता क्या है ये, देखो, ऐसे प्रेपोजिशन जिनसे समय के बारे में पता चलता है, ठीक है, ऐसे प्रेपोजिशन जिनसे समय के बारे में पता चलता है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। इनमें सबसे कॉमन है आपका इन, और क्या है आपका एट और एंड, एंड नहीं सॉरी, ठीक है, इन एट और लास्ट कौन सा आपका, लास्ट आपका ऑन, ठीक है। सबसे मेन जो किसी, ठीक है, टाइम को रिलेशन, टाइम के साथ रिलेशन शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इन एट एंड ऑन, ठीक है। आगे और भी होते हैं, जैसे बाय, बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, फ्रॉम, थ्रू, ऐसे बहुत सारे हैं जो यूज में होते हैं, लेकिन इन, एट, ऑन ये क्या है, ये सबसे मेन है और सबसे ज्यादा इन्हीं से यूज होता है, ठीक है। और क्या बताया मैंने, और जैसे कब, बाय, बिफोर, ठीक है, और आफ्टर, फॉर, फ्रॉम, ठीक, और क्या है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग वॉर, है ना, ठीक है। टाइम को डिनोट कर रहे हैं ना, टाइम को बता रहे हैं, तो टाइम को बता रहे हैं तो क्या है ये, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक। अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, आप जा समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। द एयरप्लेन रीच दुबई एट 5 o'clock, ठीक है, अभी मतलब था इन एट ऑन, ठीक है, इन एट ऑन, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और जो भी टाइम से रिलेटेड होंगे वहाँ पे ये ही चीज़ें आएंगी, देखो, द एरोप्लेन रीच दुबई एट 5 o'clock, एरोप्लेन क्या, दुबई पहुँच गया कब, 5 o'clock, तो एट, एट 5 o'clock, ठीक है। आई कांट टॉक ऑन द स्टेज, मैं क्या स्टेज पर बात नहीं कर सकता, ठीक है, स्टेज में बात नहीं कर सकता। फार्मर्स हैव बीन रीपिंग द क्रॉप फॉर 2 days, फार्मर क्या कर रहे हैं, क्रॉप को काट रहे हैं, कब से, 2 दिन से, फॉर 2 days। राज हैज बीन स्टडिंग MBBS सिंस 2020, राज क्या कर रहा है, 2020 से MBBS की पढ़ाई कर रहा है, तो क्या है ये सब, टाइम को डिनोट कर रहे हैं, सिंस, फॉर, एट और ऑन, ठीक है, तो क्या है ये हमारे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ यूज होने वाले, ठीक है। तो प्रीपोजिशन किसके साथ, टाइम के साथ यूज होते हैं, एट, ऑन, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, ठीक है, फ्रॉम, फॉर, विद, और क्या, टिल, थ्रू, जो भी टाइम को शो करते हैं वो क्या है हमारे, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। और किसके साथ शो करते हैं ये, प्लेस के साथ, तो क्या ऐसे प्रिपोजिशन जो प्लेस को शो करें वो क्या है, वो है हमारे प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें भी देखो, इन, ठीक है, एट, ऑन, अपॉन, और क्या हो गया आपका, अक्रॉस, अंडर, अक्रॉस, ठीक है, अंडर, ठीक, अबव, ऊपर, ठीक है, आपको मदद करेंगे, इन, में, एट, पर, ऑन, पर, अपॉन, मतलब उस पर, अक्रॉस, ठीक है, अंडर, नीचे, अबव, ऊपर, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदी देख लेना, बिटवीन, ये क्या है, जगह को तो बता रहे हैं किसी, अब इनसे समय का पता तो चल नहीं रहा है ना, क्या ऊपर, अब ऊपर मैं समय के साथ थोड़ा ना लिखूंगा कि मैं 6:04 ऊपर पहुंच गया था, नहीं नहीं क्या हुआ, 6:04 पर पहुंच गया था, ठीक है, थोड़ा इनका ध्यान रखना, एक बार इनको अच्छे से देख लेना आप क्या होते हैं ये, ठीक है, प्रीपोजिशन कितने होते हैं, ठीक। तो क्या इसके एग्जांपल देखते हैं कुछ, ये सब क्या है, ये सब क्या बता रहा है आपके, प्लेस, द टीम इज इन द स्टेडियम, स्टेडियम क्या है, जगह है ना, स्टेडियम क्या है, जगह है, जगह है तो इन, दे आर एट द डोर, कहाँ पर है वो, डोर के पास, ठीक है, डोर क्या है, दरवाजा, दरवाजा जगह है, ठीक है, आप कमरे में हो तो दरवाजा क्या है, जगह हुए ना कि दरवाजे के पास है, ठीक है, दे आर एट, ठीक है, दरवाजे पर, एट, पर, इन, में, थोड़ा हिंदी भी देख लेंगे, द टीम इज इन द स्टेडियम, टीम क्या है, स्टेडियम में, ठीक है, दे आर एट द डोर, एट, पर, दरवाजे पर हैं, ठीक है, द कैट वॉज सिटिंग ऑन द बुक, क्या है, बिल्ली क्या, किताबों पर बैठी है, ठीक है, किताबों पर, ऑन भी, पर, माई डॉग जम्प अपॉन द टेबल, डॉग ने क्या किया, के ऊपर, अपॉन, ठीक, कूद गया,
क्लियर। ठीक है, जगह को बता रहे हैं, टेबल, जगह, ऑन द बुक्स, किस पर, किताबों पर, एट द डोर, कहाँ पर, दरवाजे पर, इन द स्टेडियम, स्टेडियम में, क्लियर। जो भी जगह को बताएं वो सब क्या है, प्लेस। जगह का मतलब ये नहीं कि कोई सिटी होगी, कोई शहर होगा, गांव कुछ, ठीक है। स्टेडियम भी जगह है, दरवाजा भी एक जगह है, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ रूम में बैठा हूँ तो दरवाजा क्या एक जगह ही तो है, सिटिंग ऑन द बुक, किताबों पर, किसी जगह पे तो बैठी है, जगह कौन सी है, किताब, ठीक है। माई डॉग जब जंप अपॉन द टेबल, क्या क्या कुत्ते ने छलांग लगा दी टेबल पर, है ना, तो कहाँ लगाई, टेबल पर, टेबल क्या है, जगह ही तो है एक। प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस कॉज, ठीक है, पर्पस या कॉज, जो किसी कारण का क्या, जो किसी कारण या फिर मोटिव के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस या कॉज, ठीक है। इसके लिए हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं हम फॉर, ठीक है, और क्या करते हैं आपका ऑफ, फ्रॉम, ये सब क्या हमारे, जब भी हम कोई रीजन देंगे या कोई कारण देंगे तब क्या करते हैं, मोटिव देंगे, तब हम इनका यूज करेंगे ज्यादातर, ठीक है, और का भी यूज करेंगे पर ज्यादातर इनका करेंगे, ठीक है। थ्रू, विद, ठीक है, इनका क्या करेंगे हम ज्यादा यूज करेंगे जब हम कोई पर्पज या रीजन देंगे। एग्जाम्पल, पर्पज या रीजन का, ठीक है, राजेश ब्रदर वेंट फॉर अ वॉक इन द गार्डन, पर्पज क्या था, वॉक, कहाँ, गार्डन में, पर्पज क्या था, राजेश ब्रदर वेंट फॉर अ वॉक, किसके लिए गया वो, वॉक के लिए, वॉक क्या था, पर्पज या रीजन, जिस भी वजह से वो गया तो उसके साथ क्या है, फॉर, ही डाइड ऑफ कोलेरा, हैजा की वजह से उसकी मौत हो गई, तो कोलेरा क्या था, रीजन था ना उसकी मौत का, तो इसलिए ऑफ, सी लॉस्ट हर प्रेसियस रिंग थ्रू हर फुलिशनेस, उसने क्या कर दी, अंगूठी खो दी अपनी महंगी, किसकी वजह से, उसकी मूर्खता की वजह से, थ्रू हर फुलिशनेस, ठीक है। रीजन क्या था, उसकी मूर्खता, तो थ्रू, यहाँ पे रीजन क्या था उसके मौत का, कोलेरा, ऑफ, यहाँ पे रीजन क्या था उसके बाहर जाने का, फॉर, ओ सॉरी, वॉक, तो फॉर, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, फ्रॉम, क्यों, फीवर, फीवर क्या था, रीजन था कि वो फीवर से भी वो था, बुखार से क्या था, पीड़ित था, तो क्या था, फ्रॉम, फ्रॉम किससे, फीवर से, ठीक है, फीवर क्या था उसका कॉज था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपोजिशन ऑफ मैनर, जिनसे किसी क्या मैनर या तरीके का पता चलता है, ठीक है, नाम ही ये सब कुछ, मैनर, ठीक है, आदत या तरीके का पता चलता है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम करते हैं लाइक, ठीक है, या फिर विद, या फिर बाय, देखो और भी होते हैं लेकिन ये मेन है जब किसी मैनर के साथ यूज किया जाता है, मैनर या हैबिट के साथ, ठीक है। अभी हम सेंटेंस देखते हैं, पता चलेगा क्या था सेंटेंस हमारे, ये यू आर लाइक माई मदर, ठीक है, लाइक द गर्ल फॉट विद ही केम बाय, अभी मैंने लिखा है लाइक बाय विद, ठीक है, तुम क्या हो, मेरी माँ जैसी हो, ठीक है, ये क्या है बता रहे हैं ना, कि उस किसके जैसी है, मैनर, हैबिट, आदत, अभी बताया ना किसी का तरीका, ढंग, उसका तरीका कैसा है, उसकी माँ जैसा, इसलिए उसने क्या कहा, यू आर लाइक माई मदर, लाइक द गर्ल फॉट विद करेज, किसके साथ लड़ी, करेज के साथ, आदत है उसकी, मैनर, ठीक है, जो भी है तरीका किसके साथ है, करेज के साथ, ही केम बाय द नेशनल हाईवे, कहाँ से आया, नेशनल हाईवे से, ठीक है, बाय, ठीक है। नेक्स्ट, पोजेशन, पोजेशन का मतलब क्या होता है, पहले हमने पढ़ा था एक बार, ये पजेशन क्या होता है, पजेशन मतलब होता है आपका अधिकार, क्या होता है, अधिकार, क्लियर। तो जो किसी चीज के क्या है पजेशन को बताए वो क्या है, प्रिपोजिशन, पजेशन, ठीक है। अब पजेशन कौन कौन से वो बताते हैं आपके, तो पजेशन बताता है आपको ऑफ, ठीक है, आपका बाय से पजेशन को पता चलता है, आपका विद से पजेशन को पता चलता है, और टू से पजेशन का पता चलता है। एग्जाम्पल, डोंट लीव योर सन विद हिम, तो क्या, डोंट लीव योर सन विद हिम, उसके साथ अपने क्या है लड़के को मत छोड़ो, ठीक है, डोंट लीव योर सन, तो योर सन तो पजेशन हो गया, अब सो किसे कर रहा है, विद से, ठीक है। दैट ब्यूटीफुल बिल्डिंग बिलोंग्स टू मिस्टर वर्मा, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिल्डिंग क्या है, किसकी है, मिस्टर वर्मा को बिलोंग्स करती है ना, तो किसका पोजीशन है, मिस्टर वर्मा का, तो इसलिए टू, सी इज वन ऑफ योर ग्रुप्स, क्या है, वन ऑफ योर ग्रुप्स, वो क्या है, तुम्हारे ग्रुप में से एक है, ठीक है, तो क्या है, योर ग्रुप,
ठीक है, योर ग्रुप बिलोंग्स टू मिस्टर वर्मा, योर सन विद हिम, तो ये सब क्या पोजीशन है ना, बेटा किसका है, उसका है, तो विद बिल्डिंग किसकी है, मिस्टर वर्मा की, तो टू उनके ग्रुप से, सी इज वन ऑफ योर ग्रुप, तो क्या है ऑफ, क्लियर, जो भी पोजीशन को शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट रिलेशन, देखो नाम में ही सब कुछ है जो रिलेशन को शो करें, ठीक है, जिनसे क्या किसी नाउन प्रनाउन सॉरी पर्सन या प्लेस का क्या होता है, पर्सन या थिंग का रिलेशन पता चलता है, वो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, विद, ठीक है, आपका हो गया टुगेदर, विद टुगेदर, सॉरी टुगेदर विद, अलोंग विद, आपने बहुत सारे सेंटेंस सुने होंगे ऐसे, विद विद टुगेदर विद अलोंग विद, क्लियर, ये क्या करते हैं, ये रिलेशन शो करते हैं किसी पर्सन का या फिर किसी थिंग का, ठीक है, किसी पर्सन का थिंग का, एग्जाम्पल माई पेरेंट्स लिव विद मी, ठीक है, रिलेशन माई पेरेंट्स मेरे क्या परिवार वाले, पेरेंट्स माता पिता, ठीक है, लिव विद मी किसके साथ रहते हैं, मेरे साथ, तो माई पेरेंट्स और मी का रिलेशन किससे शो कर रहा है, विद से, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, ठीक है, हीना वॉज टेकिंग अ फ्रेंड अलॉन्ग विद हर, रीना क्या, वो हीना क्या कर रही है, अपनी दोस्त को भी ले रही है, ठीक है, अलॉन्ग विद हर अपने साथ लेके जा रही है, ठीक है, तो अलॉन्ग विद, ठीक है, अलॉन्ग विद याद रखना इस चीज को, अलॉन्ग विद अपने साथ, ठीक है, माई एक्सपीरियंस टुगेदर विद योर स्किल, यहाँ पे भी क्या रिलेशन किसका, माई एक्सपीरियंस और योर स्किल का, किससे हो रहा है, टुगेदर विद माई स्किल, माई एक्सपीरियंस टुगेदर विद योर स्किल, क्या मेरा एक्सपीरियंस अनुभव किसके साथ, तुम्हारे स्किल के साथ, ठीक है, इसलिए टुगेदर विद, हिना वॉज टेकिंग अ फ्रेंड अलॉन्ग विद, अलॉन्ग विद मतलब अपने साथ और विद मतलब साथ, ठीक है, क्लियर, माई पेरेंट्स लिव विद मी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, हिना वॉज टेकिंग अ फ्रेंड अलॉन्ग विद हर, हिना अपने साथ अपने दोस्त को लेके जा रही है, माई एक्सपीरियंस, ठीक है, मेरा अनुभव तुम्हारे स्किल के साथ, कैन डू इट वेल, ठीक है, अच्छे से काम करेगा, क्लियर, नेक्स्ट मेजर रेट रेट और वैल्यू, वही इनसे क्या पता चलता है, जब हम मेजर रेट रेट या वैल्यू की बात करते हैं तब जो प्रीपोजिशन आते हैं वो, ठीक है, इनमें फेमस क्या है, एट किसी मेजरमेंट रेट या वैल्यू के लिए, एट बाय और फॉर, इन तीन का सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है, किस चीज में, जब हम कोई मेजर रेट या वैल्यू के बारे में जानते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, आई बॉट बनानास एट 30 रुपीज 30 अ डजन, ठीक है, एट कितने में खरीदे, आई बॉट बनानास एट, ठीक है, रेट वैल्यू या फिर मेजर, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट का पता चल रहा है, ठीक है, क्या रेट का पता चल रहा है, 30, तो इसलिए यहाँ पे एट का यूज किया गया है, ठीक, कैन यू बाई दिस आइटम फॉर 100 रुपीज, वैल्यू कितने, 100 रुपीज है वैल्यू आइटम की, तो वैल्यू है तो 4, और यहाँ पे क्या है, द वेंडर सेल्स वेजिटेबल बाय द किलो, किलो क्या है, मेजरमेंट है ना, तो सामान को तोलते हैं किसमें, किलो में ही तो तोलते हैं, तो क्या है मेजरमेंट, मेजरमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, बाय, ठीक है, जब भी हम मेजर करेंगे किसी चीज को, रेट करेंगे या फिर रेट दोगा या फिर उसकी वैल्यू दी होगी, तो एट फॉर बाय, ये तीन मेन है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्लियर, नेक्स्ट सेपरेशन, सेपरेशन क्या होता है, जब कोई चीज हो, जब कोई चीज या कोई इंसान, ठीक है, किसी दूसरी चीज या इंसान से अलग होते हैं, ठीक है, जब कोई चीज, ठीक है, या कोई इंसान किसी दूसरी चीज या इंसान से अलग होते हैं, तो क्या होते हैं, तब जो प्रिपोजिशन यूज किए जाते हैं, ठीक है, इनमें दो सबसे फेमस है, एक तो फ्रॉम, दूसरा ऑफ, डबल एफ वाला, ठीक है, एक ऑफ होता है, एक ऑफ, ठीक है, एक सिंगल एक डबल एफ, क्लियर, ठीक है, फ्रॉम ऑफ, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं दो, ठीक है, जब कोई चीज अलग होती है, ठीक है, एग्जाम्पल नैन्सी कम, नैन्सी केम फ्रॉम द यूएस 2 डेज अगो, नैन्सी क्या है, यूएस से 2 दिन पहले आई, तो फ्रॉम, अब फ्रॉम किसके आया, देखो यूएस से अलग हुई ना वो, ठीक है, वो यूएस में थी अब तक और यूएस से अलग हो गई, मतलब मान लो वो इंडिया आ गई, ठीक है, इंडिया आ गई कब आई, 2 दिन पहले,
तो यूएस से तो अलग हो गए ना। तो जब कोई इंसान या कोई चीज किसी दूसरी इंसान या चीज से अलग होती है तो क्या करते हैं, फ्रॉम या ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो क्या यूएस से अलग हो गई, ठीक है, और कहाँ है, इंडिया में, तो यूएस से अलग होगी इसलिए फ्रॉम का यूज किया है यहाँ पे। दूसरा, द मैन फेल ऑफ द बाइक, आदमी क्या है, बाइक से गिर गया। तो आदमी क्या था, गाड़ी में था, ठीक है, आदमी क्या था, गाड़ी में था, ठीक, ड्राइंग पे ध्यान देना, ठीक है, गाड़ी में था, ठीक, गिर गया नीचे, ठीक है। अब नीचे अगर गिर गया है वो, तो क्या अलग हो गया ना बाइक से, वो कहीं और गिरा, गाड़ी कहीं और गिर गई, ठीक है, तो क्या हो गया, फेल ऑफ, ठीक है, अलग हो गया ना बाइक से अपनी, गिर गया, तो मैन फेल ऑफ द बाइक, ठीक है। द फ्रूट फेल ऑफ द ट्री, पेड़ क्या है, गिर के अलग हो गया, वो सॉरी फल क्या है, पेड़ से गिर के अलग हो गया, इसलिए द फ्रूट फेल ऑफ द ट्री। क्लियर? जो चीज अलग हो जाए उसे क्या कहेंगे, फ्रॉम या ऑफ से डिनोट करेंगे प्रपोजिशन में, ठीक है। नेक्स्ट, सपोर्ट, सेम, जिससे सपोर्ट का पता चले, ठीक है, जिससे सपोर्ट का पता चले उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रपोजिशन ऑफ सपोर्ट। इसमें सबसे फेमस है अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट। क्लियर? अब इसका हम एग्जाम्पल देखें, अगर देर वॉज अ लैडर, ठीक है, लीडर नहीं है, लैडर है, ठीक है, देर वॉज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल ऑफ दिस हाउस, क्या है, इस घर की दीवार से पास क्या है, अगेंस्ट द वॉल मतलब क्या है, दीवार से चिपकी हुई है, ठीक है, अगेंस्ट सपोर्ट को बता रहा है ना, तो लैडर का सपोर्ट किसका मिल रखा है, घर की दीवार का, अगेंस्ट, ठीक है, देर वॉज अ लैडर, यहाँ पे क्या है, सीढ़ी है, अगेंस्ट द वॉल ऑफ दिस हाउस, इस घर के क्या, दरवाजे पे, ओ सॉरी दीवार पे, तो सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट है लैडर को, किस चीज का, घर की दीवार का सपोर्ट है, सपोर्ट है इसलिए अगेंस्ट। डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वेट वॉल, वेट वॉल मतलब गीली दीवार के पास खड़े मत रहो, तो गीली दीवार का सपोर्ट ले रखा था इसलिए क्या है, अगेंस्ट गीली। नेक्स्ट क्या हमारा, प्रेपोजिशन ऑफ मोटिव एंड ओरिजिन, ठीक है, तो जिस चीज से किसी चीज का क्या मोटिव या फिर ओरिजिन पता चलता है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। इसमें क्या है हमारे, फ्रॉम और ऑफ, ये क्या है, दो फेमस प्रेपोजिशन है जो क्या किसी चीज के ओरिजिन या मोटिव जब बताया जाता है तब यूज किए जाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है, दिस साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क, ठीक है, ये साड़ी क्या है, सिल्क से बनी है, ठीक है, किससे बनी है, सिल्क, ओरिजिन सिल्क, सिल्क से बनी है वो, ठीक है, तो ऑफ, ठीक है, और सी हैज टू ब्रिंग हर टिफिन फ्रॉम होम, ठीक है, कहाँ से लाती है वो टिफिन, अपने घर से, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है टिफिन का, घर से होता है, ठीक है, इसलिए फ्रॉम, ठीक है, या फिर मोटिव का पता चले तो ऑफ या फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे दो सेंटेंस थे, साड़ी किससे बनी है, ओरिजिन किससे हुआ है साड़ी का, सिल्क से हुआ है, सी हैज टू ब्रिंग हर टिफिन फ्रॉम होम, अपने घर से लाती है वो टिफिन, ठीक है, फ्रॉम क्या है, ओरिजिन, उसके घर से, ठीक है, अपने घर से टिफिन लाती है ना, तो ओरिजिन कहाँ है टिफिन का, घर में, ठीक है, तो ओरिजिन है तो फ्रॉम। नेक्स्ट, प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के लिए क्या, जिससे डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं वो प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट राइट, अबव टूवर्ड टू, ये सब क्या है डायरेक्शन, टू टूवर्ड्स, ठीक, और अबव और इनटू, अप डाउन, सब क्या हमारी, ये सब हमारे डायरेक्शन को शो कर रहे हैं ना, इसलिए प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इससे पहले हमने लिखा था क्या, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, जो प्लेस को बता रहे थे, जैसे अपॉन, इनटू, इनटू वहां पे भी था, ठीक है, अपॉन, ऑन, एट, ठीक है, जो किसी जगह को बता रहे थे, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन को बता रहे हैं, वो जगह को तो ये डायरेक्शन को है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, वुड यू लाइक टू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाना चाहोगे, गो टू, ठीक है, क्या है, टू, ठीक है, ही वेंट टूवर्ड द स्टेशन, वह स्टेशन की तरफ गया, टूवर्ड्स, आई नेवर जम्प इन टू द वेल, मैंने कभी कुएं में छलांग नहीं लगाई, ठीक है, इन टू, क्या डायरेक्शन बता रहे ना, कहाँ नहीं लगाई, उधर कुएं की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स स्टेशन की तरफ, दिल्ली टू दिल्ली, ठीक है, क्या है डायरेक्शन बता रहे हैं ना ये, ठीक
ठीक, तो डायरेक्शन बता रहे तो टू, टूवर्ड्स, इन टू, अबव, अप, डाउन, ठीक है, ऑन, ये सब यूज किए जाएंगे, तो प्रोविजन ऑफ डायरेक्शन में भी यूज किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, चलो ठीक है, ये सब हो गया क्लियर। तो हमने क्या देखा अभी, क्या थे हमारे, प्लेस, टाइम, ठीक है, टाइम को जो डिनोट कर रहे थे कौन कौन, इन, एट, ऑन, ठीक है, ये सब क्या टाइम को डिनोट कर रहे थे, फिर दूसरा प्लेस को डिनोट कर रहे थे, ऑरिजिन, मोटिव, ठीक है, और क्या सपोर्ट, इन सब को डिनोट कर रहे थे। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, द बॉस डिडंट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, ही मस्ट बी डैश हिज गुड बुक्स। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, पहले सेंटेंस देख लेते एक बार, द बॉस डिडंट पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, बॉस ने क्या किया, उसको पनिश नहीं किया, किस लिए, लेट आने के लिए, ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट। अब ही मस्ट बी डैश हिज गुड बुक्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें हम प्लेस के बारे में बात करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है, प्लेस की बात कर रहे थे, तो क्या बात कर रहे थे हम, जिसमें एक सेंटेंस था क्या, द कैट इज सिटिंग ऑन दी बुक, ये था ना, द कैट इज सिटिंग ऑन द बुक, ठीक है, ऑन, ऑन हिज गुड बुक, यहाँ पे क्या है, ऑरिजिन नहीं, डायरेक्शन नहीं, प्लेस की बात हो रही है ना, जगह, ठीक है, जगह की बात हो रही है। देखो अगर यहाँ पे आप इन, इनटू, इनसाइड, ऑन टू लगाओ, सबसे पहले हम इन कर लेते हैं, ठीक है, इन, ही मस्ट बी इन हिज गुड बुक्स, वो क्या है, उनकी गुड बुक्स, गुड बुक्स क्या होता है, गुड बुक्स मतलब अच्छे लोग जो लिस्ट बना रखी है, ठीक है, बॉस ने, वो है गुड बुक्स, ठीक, तो क्या है, वो उनके अच्छे लोगों की लिस्ट में शामिल है, इसलिए क्या है, उसको डांट नहीं पड़ी, इन कहाँ, बुक्स, बुक्स क्या है, प्लेस, ठीक है, बुक्स क्या है, प्लेस, थोड़ी देर पहले पता, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि प्लेस, बुक्स, वो बुक्स प्लेस कैसे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ही मस्ट बी इन हिज गुड बुक्स, क्लियर। सेकेंड, डू यू टेक प्राइड इन योर अपीरियंस, ठीक है, डू यू टेक प्राइड इन योर, सॉरी मैंने यहाँ पे आंसर ही दे दिया, बट ठीक है कोई नहीं, लेकिन ये आंसर इन कैसे हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ जगह है ही नहीं हम, ठीक है, ना कुछ जगह है ना टाइम है, तो कैसे हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, योर अपीरियंस, ये क्या है, ये हमारा क्या है, पजेसिव, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा क्या, पजेसिव के बारे में, है ना, तो डू यू टेक प्राइड इन हुआ यहाँ पे, ठीक है, इन, बस मैंने इसका आंसर दिया, बट ठीक है, इन, डू यू टेक प्राइड इन योर अपीरियंस, ठीक, क्लियर, पजेसिव, योर अपीरियंस, ठीक। नेक्स्ट, ये आपको ना, आई ट्रिप डैश द कैट एंड फेल डाउन, मैंने क्या किया, डैश द कैट एंड फेल डाउन, रिलेशन कैसे बनाया गया ये, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ओवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आई ट्रिप ओवर द कैट, मैं क्या बिल्ली के ऊपर, क्या ट्रिप, ट्रिप क्या होता है, गिरना, ठीक है, गिरने वाला था, ठीक है, तो क्या हुआ, इसलिए सीढ़ियों से नीचे गिर गया, ठीक है, बिल्ली से टकरा के जो भी है, बिल्ली के ऊपर पैर रख दिया था जो भी, तो क्या सीढ़ी से नीचे गिर गया, ठीक है, ओवर, आई ट्रिप ओवर द कैट। नेक्स्ट, माई फादर वॉज डैश अ बैड टेम्पर एज ही हैड जस्ट फाउट विद मदर इन द किचन, ठीक, क्या है, माई फादर वॉज डैश इन, माई फादर वॉज डैश अ बैड टेम्पर एज ही हैड जस्ट फाउट विद मदर इन द किचन, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन, माई फादर वॉज इन, के स्टेट, कौन से स्टेट में है, ठीक है, जगह, बैड टेम्पर, ठीक है, सिर्फ प्लेस नहीं स्टेट भी, ठीक है, स्टेट भी शो करेगा, जो वहाँ पे बताना भूल गया था क्या, सिर्फ प्लेस नहीं स्टेट भी, ठीक है, तो किस स्टेट में है, बैड टेम्पर की स्टेट में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन, ठीक है, इन, ऑन, एट, ये सब क्या आता है इसमें, प्लेस में, टाइम में, ठीक है, तो माई फादर वॉज इन, मेरे फादर क्या है, गुस्से में या खराब मूड में है, क्यों, क्योंकि अभी उनकी लड़ाई हुई मम्मी से किचन में, ठीक है, इन, ठीक है, स्टेट या प्लेस में,
यूज क्या आते हैं। नेक्स्ट, द फिल्म थ्री इडियट्स वॉज बेस्ड डैश एन इंजीनियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस। द फिल्म थ्री इडियट्स वॉज बेस्ड डैश एन इंजीनियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे क्या आएगा, अबाउट, एट, ऑन या इन। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑन एन इंजीनियर्स लाइफ। किस पर बनी थी फिल्म, किस पर बेस्ड थी, इंजीनियर की रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे। ठीक है, ऑन किस पर, ठीक है, किस जगह पर, किस चीज पर, तो किस पर, इंजीनियर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर। तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज किया गया, क्यों, इंजीनियर्स की रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बनी थी। पर किसके लिए यूज करते हैं, जगह के लिए ना, जगह के लिए, स्टेट के लिए। ठीक है, तो क्या है, ऑन। नेक्स्ट, आई हैड नॉट स्लैप्ड और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश टू डेज। ठीक है, आई हैड नॉट स्लैप्ड और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश टू डेज सिंस फ्रॉम इन फोर। क्या आएगा यहाँ पे, सिंस फ्रॉम इन या फोर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका फोर, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फोर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा है टू डेज, और हमने सबसे पहले ये देखा था प्रिपरेशन ऑफ टाइम में कि जब भी टाइम दिया होगा तब क्या होगा, इन, ऑन, एट, फॉर, ये सब यूज किया जाएगा। तो टू डेज का टाइम दे रखा है हमें, जब टू डेज हमें दे रखे हैं तो यहाँ पे टाइम से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे फोर, कितने दिन से, दो दिन से। ठीक है, फॉर टू डेज, दो दिन से क्या है, कुछ भी खाया नहीं है, नहीं सोया है प्रॉपरली। क्लियर। नेक्स्ट, आई थिंक द बैंक शुड बी ओपन डैश नाउ। आई थिंक द बैंक शुड बी ओपन डैश बाय नाउ। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑफ, इन, बाय, फोर, क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे होगा आपका बाय। ठीक है, बाय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों, नाउ, नाउ क्या है, टाइम जो है अभी, क्या है, मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है कि बैंक अब तक खुल गए होंगे, अब तक, अभी का टाइम जो डिनोट कर रहा है वो, तो बाय, बाय नाउ। ठीक है, अब तक खुल गए होंगे जो टाइम है, तो मैंने ऊपर लिखा है था अभी कौन कौन से यूज होते हैं टाइम पे। ठीक है, बाय, समय के लिए बाय। ही ट्रेम्बल डैश फियर व्हेन द एग्जामिनर कॉट हिम चीटिंग। ही ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब कांपना, फियर डर, व्हेन द एग्जामिनर कॉट हिम चीटिंग, जब एग्जामिनर ने क्या उसे चीटिंग करते हुए पकड़ा, तो क्या होगा, इन, ऑफ, विद, फ्रॉम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद। अब बोलोगे विद क्यों, देखो विद किसके साथ आता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था विद किसके साथ आता है, जब किसी चीज का किसी चीज के साथ रिलेशन बताते हैं तब क्या आता है, विद, अलोंग विद या टुगेदर विद। तो क्या ट्रेम्बल, कांपने का संबंध किसके साथ है, फियर के साथ, किससे कांपा, डर के साथ, डर के साथ कांपा ना। ठीक है, ही ट्रेम्बल विद फियर, डर के साथ कांपा। अब यहाँ कुछ भी हो सकता था, बुखार से कांप रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, ट्रेम्बल का रिलेशनशिप तो बताना है, कांपा क्यों, कांपा, कांपा किसको, फियर के साथ, तो ही ट्रेम्बल विद फियर, क्या, ठीक है, ही ट्रेम्बल विद फियर व्हेन द एग्जामिनर कॉट हिम चीटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट, देयर वॉज अ स्टॉर्म डैश द नाइट इट रेन डैश थ्री और फोर आवर्स। क्लियर, क्या होगा इसका आंसर, देर वॉज अ स्टॉर्म डैश द नाइट इट रेन डैश थ्री और फोर आवर्स। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यों, देखो सबसे पहले तो आएगा आपका ड्यूरिंग, क्या हुआ, देर वॉज, देखो पास्ट की बात हो रही है, वॉज अ स्टॉर्म, देर वॉज अ तूफान आया था, कब, नाइट, रात के दौरान। ठीक है, रात के दौरान क्या आया था, एक तूफान आया था, इट रेंड, अब ये पास्ट की बात करिए, रेंड क्या, बारिश हुई। अब यहाँ पे आएगा फोर, क्यों, क्योंकि टाइम भी तो दे रखा है थ्री और फोर आवर्स। ठीक है, अभी तो होता है थ्री और फोर आवर्स, देर वॉज अ स्टॉर्म ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान एक तूफान आया था,
इट रेन फॉर 3 और 4 आवर्स, क्या 3 से 4 घंटे बारिश हुई। ठीक है, 3 से 4 घंटे का टाइम, टाइम है तो 4, और ठीक है, और ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान या रात के समय। ठीक है, नेक्स्ट, विल यू कम डैश बस और डैश अ ले अ ट्रेन, अ लेट ट्रेन। ठीक है, विल यू कम डैश बस और अ लेट ट्रेन, क्या होगा इसमें? देखो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाय ऑन। देखो सबसे पहले विल यू कम बाय बस, या तुम बस से आए, ठीक, और ऑन अ लेट ट्रेन, और ऑन अ लेट ट्रेन, ठीक है, ऑन अ लेट ट्रेन मतलब किसी लेट ट्रेन से, ठीक है, क्या तुम बस से आए या किसी लेट ट्रेन से। लेट ट्रेन क्या है, जगह है, जैसे किताब है ना दरवाजे पर, क्या वैसे ही लेट ट्रेन, ट्रेन क्या थी, जगह थी ना, किस पर से आया, ट्रेन से। ठीक है, विल यू कम बाय बस और ऑन अ लेट ट्रेन, क्लियर। नेक्स्ट, आई टुक द ट्रेन डैश डोवर टू ऑस्टेंड, आई टुक द ट्रेन डैश डोवर टू ऑस्टेंड, क्या होगा इसमें? यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब फ्रॉम, फ्रॉम क्यों, तो ऑरिजिन बता रहा है ना वो, आई टुक द ट्रेन फ्रॉम डोवर, ऑरिजिन क्या था ट्रेन का, डोवर से ऑस्टेंड। ठीक है, उसने जो ट्रेन पकड़ी है उसका ऑरिजिन क्या था, उसके हिसाब से डोवर था, डोवर ऑरिजिन, ऑरिजिन में क्या होता है, फ्रॉम या ऑफ आता है। ठीक है, मोटिव या ऑरिजिन में क्या होता है, फ्रॉम या ऑफ आता है, तो डोवर से ऑस्टेंड की ट्रेन पकड़ी उसने, ठीक है, तो फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट, माई बिजनेस इज सफरिंग एज वी आर बैडली वॉन्टिंग डैश फंड्स। ठीक है, माई बिजनेस इज सफरिंग एज वी आर बैडली वॉन्टिंग डैश फंड्स, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन। ठीक है, इन, माई बिजनेस इज सफरिंग, मेरा बिजनेस क्या सफर कर रहा है, एज वी आर बैडली, क्या बैडली वॉन्टिंग एंड फंड्स, हमें क्या चाहिए, हमें बहुत बुरी हालत में पैसे चाहिए, फंड्स, मेजर, रेट, वैल्यू। ठीक है, तो इन, क्लियर। सॉरी ये नहीं, ठीक है, वैसे इन है, ऑप्शन नंबर डी आपका आएगा यहाँ पे, क्या इन, ठीक, क्लियर। इन किस में आता है, इन आता था टाइम में, प्लेस में। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे इन आएगा, क्यों, फंड्स, प्लेस, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ओ सॉरी एक साथ आ गया, ठीक है, 12 13 एक होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव नेवर फेस्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डैश ऑल माई लाइफ एज दिस वन, क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी क्या ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस की जैसी कि ये है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, आई हैव नेवर फेस्ड, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, इतना सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आएगा सी, इसका मतलब इन, ठीक है, सी इन। देखो, आई हैव नेवर फेस सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, मैंने कभी ऐसे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, सामना नहीं किया, इन माई ऑल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में, एज दिस वन, क्या इसके जैसी। देखो कहीं कहीं पे तुम्हें कन्फ्यूज होगी, तो इसलिए बता दो, इनमें, इनका मतलब मे होता है, ठीक है, तो याद रखना सेंटेंस पढ़ के, अगर तुम्हें लगे कि इसमें मे आ रहा है तो वहाँ पे इन हो सकता है। ठीक है, अभी मैं ऐसे और बताऊंगा, ठीक है, इन मे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ओके 15 भी सेम हो गया है, ये कैसे हो पता नहीं, बट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम हो गया। अच्छा चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, इन मतलब क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर बताया, कहीं कहीं पे आपको दिक्कत सकता है, इन का मतलब मे लेके चलना ज़्यादातर केस में, ठीक है, इन मतलब मे, ठीक है, एट मतलब पर, ठीक है, और क्या होगा, ऑन, ऑन मतलब पर, ठीक है, पर मतलब, लेकिन ये कौन सा होगा, किसी चीज के ऊपर, ठीक है, किसी चीज के,
ऊपर वाला पर, ठीक है। देखो ये पर क्या है, दरवाजे पर खड़े हैं, स्टेशन पर खड़े हैं, एट स्टेशन एट डोर, ठीक है। इस ऑन का मतलब क्या, ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर, ठीक है, पर, ठीक है, टेबल पर कहाँ रखी है, ऑन द टेबल, ठीक है। वेयर आर द कीज, कीज आर ऑन द टेबल, टेबल कहाँ है, वो चाबी कहाँ है, टेबल पर, ठीक है, लेकिन टेबल के ऊपर, इसलिए पर, ठीक है। इन मतलब में, ठीक है, एट मतलब भी पर है, लेकिन एट मतलब किस जगह पे खड़े हैं, ठीक है। ऐसे क्या आता है, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे या बाद में, ठीक है। बाय, बाय का मतलब से या द्वारा, ठीक है, से या द्वारा, ठीक है। फ्रॉम का मतलब, फ्रॉम का मतलब से है, लेकिन ये क्या है, ओरिजिन के लिए, ओरिजिन, ठीक है। और कुछ है, और बाकी सब कुछ नहीं है सकत। फोर, लिए, ठीक है, लिए या के लिए, क्लियर। ये सब क्या थे हमारे, ये सब थे प्रपोजिशन, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे इतनी सी थी, प्रपोजिशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो अभी हमारी है क्या, तीन टॉपिक है, कौन कौन से, इंट्रोजेक्शन, ठीक है, कंजक्शन, ठीक। अब ये वीडियो हमारी बची है इंटरजेक्शन और कंजक्शन, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो इन्हीं टॉपिक पे होगी, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।